नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किसी असामाजिक तत्व के द्वारा प्रसिद्ध मंदिर में मूर्ति को खंडित किया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और अब लोगों ने घटना को लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये शिवलिंग है, हरदुआ तालाब में शंकर जी का मंदिर है, इसे तोड़ने का प्रयास किया गया। यह पूरा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के हरदुआ का है, जहां विशुद्ध तालाब में स्थापित मंदिर की मूर्ति को अज्ञात लोगों द्वारा हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास में खंडित किया गया है। घटना की जानकारी सुबह उस वक्त हुई जब भक्त नवरात्र के पहले दिन दर्शन करने पहुंचे थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र के लोग भी एकत्र हो गए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि जगन्नाथ बाबा के 8 प्रसिद्ध तालाबों में से एक यह पहला निर्माण किया गया तालाब हरदुआ का है, जिसमें प्रसिद्ध मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। बताया जाता है कि उक्त तालाब का निर्माण कराने वाले जगन्नाथ बाबा के वंशज आज भी डांडिया और मौरहा में हैं। इसके पहले भी यहां से प्रसिद्ध मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं, जिनका आज तक पता नहीं चला है। सुबह जानकारी प्राप्त हुई है कि हरदुआ स्थित एक मंदिर में कुछ मूर्ति के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी की गई थी, तो जो जानकारी प्राप्त होने के बाद तुरंत पुलिस बल रवाना हुआ और घटनास्थल का निरीक्षण किया, कथन लिए और जो भी संदेही है बताया अनुसार उससे पूछताछ की जा रही है।